हमने दो गाजर लिया है सब्जियों में सांभर बनाने के लिए, एक बैगन लिया है, तूर दाल है, अरहर की दाल भी बोलते हैं, एक हमने प्याज लिया है और एक हमने पटेटो लिया है, आलू और ये लौकी लिया और ये है सांभर मसाला। अब हम इसको काट लेते हैं, छील लेते हैं, चढ़ा देते हैं कुकर पर। चार हमने देखो चार टमाटर लिए हैं, धुल के हमने दाल ले लिया है, देखिए धुल लिया है दाल को। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। अब हमने सब्जियां काट लिया है, इसको डाल देते हैं। आपके पास जो भी सब्जी हो घर पे उसे से बना सकते हैं। देखिए ढक्कन कर देते हैं, देखिए बंद। और जितनी सारी सब्जियां डालेंगे उतना अच्छे इसका टेस्ट आता है सांभर को। सांभर पक जाएगा फिर हम दिखाएंगे कैसे सांभर को हमको बघारना है। कढ़ाई मैंने रख दिया था, देखिए अब इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल सांभर बघारने के लिए। देखिए कितनी अच्छे से पक गए हैं सब्जी, दाल दोनों, तो दाल डाला था मैंने इसमें, हमने डाल दिया इसमें देखिए मिर्च, लाल मिर्च, एक हमने ग्रीन मिर्च काट लिया था, ये कड़ी पत्ती, प्याज, मैं इसमें डाल दिया एक चम्मच देखिए मिर्ची पाउडर, और एक चम्मच मैंने ये डाल दिया डेढ़ चम्मच ये मसाला सांभर मसाला है। ये मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें हम डाल लेते हैं पकी हुई सब्जियाँ। इसमें डाल देते पानी, हमने गर्म पानी लिया था, बॉयल कर लिया था पहले पानी को। देखिए सांभर बन के रेडी है और पक जाएगी। इसमें बाद में डाल दूँगी धनिया पत्ती, इसमें डालते थोड़े से नमक। देखिए नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, हमने डाला था सब्जियों में मगर हमने पानी डाल दिया ना, इसलिए इसमें नमक जरूरी डालना। और इसमें हम थोड़े से डालते हैं अमचूर पाउडर, इमली हमने नहीं डाल रहे हैं, हाँ अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। देखिए अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, इमली नहीं डाल रही, इमली भी अच्छा है अमचूर पाउडर भी ठीक है, मैं अमचूर पाउडर ही डाला है, आप लोग को जो अच्छा लगे वही डाल सकते खट्टे होने के लिए। ये मैंने डाल दिया, इसको बीच चलाते रहिए, ये देखिए पकाया थोड़ी देर में, इसमें इसको बंद कर देते हैं दो मिनट में, और धनिया पत्ती डाल देते, सांभर पक गया है, इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती। देखिए गैस बंद कर दिया हमने। मेरा बनाने का तरीका सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और जल्दी जल्दी कीजिए, मैं और आगे वीडियो डालती रहूँगी।